Dance, dance, dance. Listen to the music and dance, dance.
विश्वास
बकड़ बंदे बो अकड़ कताला जल्दी खोल अकड़ बकड़ बंदे बो अकड़ कताला जल्दी खोल अकड़ बकड़ बंदे बो अकड़ कताला जल्दी खोल अकड़ बकड़ बंदे बो अकड़ कताला जल्दी खोल जोस जंगल रस राजा जंगल का राजा बोलो कौन जोस जंगल रस राजा जंगल का राजा बोलो कौन बोलो कौन अकड़ बकड़ बंदे बो अकड़ कताला जल्दी खोल अकड़ बकड़ बंदे बो अकड़ कताला जल्दी खोल जोस जल रस रानी जल की रानी बोलो कौन जोस जल रस रानी जल की रानी बोलो कौन मछली अकड़ बकड़ बंदे बो अकड़ कताला जल्दी खोल अकड़ बकड़ बंदे बो अकड़ कताला जल्दी खोल राजा बोलो कौन हास फूल रस राजा बोलो का राजा बोलो कौन बोलो कौन अकड़ बकड़ बंदे बो अकड़ कताला जल्दी खोल अकड़ बकड़ बंदे बो अकड़ कताला जल्दी खोल राजा बोलो कौन हास फल रस राजा फलों का राजा बोलो कौन अकड़ बकड़ बंदे बो अकड़ कताला जल्दी खोल 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 सुनो हाँ सुनो सुनो
मुझसे है तेरी ये शान, मुझसे चले ये जहां, मुझसे है तेरी ये शान, मुझसे अभिनंदन, शत शत अभिनंदन, शत शत
बालक अभिनंदन। मधुबेला में है आपका अभिनंदन, शत शत अभिनंदन, शत शत अभिनंदन, शत शत अभिनंदन, शत शत अभिनंदन। मधुबेला में है आपका अभिनंदन, शत शत अभिनंदन, शत शत अभिनंदन, शत शत अभिनंदन, शत शत अभिनंदन। तन पुलकित है, मन पुलकित है और धन्य है हम। तन पुलकित है, मन पुलकित है और धन्य है हम। आज के इस मधुबेला में आपका अभिनंदन, आज के इस मधुबेला में है आपका अभिनंदन, शत शत 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 अभिनंदन, शत अभिनंदन, शत शत अभिनंदन।
उत्कृष्ट सृजनशील वयस्क विकलांग व्यक्ति महिला राष्ट्रीय पुरस्कार डॉक्टर श्रीमती दिव्यता गर्ग भोपाल मध्य प्रदेश। दृष्टिबाधित डॉक्टर दिव्यता गर्ग संगीत में डॉक्टरेट है। इन्होंने फिल्मों के लिए गायन वादन संगीत संयोजन अभियन लेखन समाज सेवा हस्तकला क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाई है। डॉक्टर श्रीमती दिव्यता गर्ग भोपाल मध्य प्रदेश। कम नहीं है हम, कम नहीं है हम, किसी से कम नहीं है हम। हिम्मत है हौसला है बुलंद, हिम्मत है हौसला है बुलंद, चाहते हैं समाज का संबल। कम नहीं है हम, किसी से कम नहीं है हम। अरमानों के पंख लगाकर भरना है परवास, नए सफर का नए जोश से करना है आगाज, मंजिल हमें मिल ही जाएगी ये पूरा है हमें यकीन, हमसे बोल रहे आपके उड़ने का अंदाज। कम नहीं है हम कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इस कार्यक्रम में हम आपसे मिलवाएंगे कुछ ऐसे विशेष व्यक्तित्वों से जिन्होंने अपनी जिंदगी में आए तूफानों का सामना बहुत साहस और निडरता के साथ किया और अपने जीवन को नए आयामों से जोड़ दिया। काम करो ऐसे की पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसे की निशान बन जाए, जिंदगी तो सभी जी लेते हैं, तू जी ऐसे की तेरी मिसाल बन जाए। कम नहीं है हम, किसी से कम नहीं है हम। आज मुलाकात करते हैं एक ऐसे ही विशेष व्यक्तित्व से, गीत संगीत और गायन में अपना नायाब स्थान बनाने वाली मधुर वाणी की धनी डॉक्टर दिव्यता गर्ग से आज हम बातचीत करेंगे। फरवरी 1978 को संगीतमय परिवार में आपका जन्म हुआ। रेटिना पिगमेंटोसा के कारण बचपन में ही आंखों की रोशनी खोने का दर्द से सामना हुआ और फिर आरंभ हुआ लंबे जीवन संघर्षों का। आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। किसने आपको तैयार किया? मैं खुद तैयार होती हूँ। अच्छा। इसके लिए मुझे हेल्प की जरूरत नहीं होती। हाँ, मैं कलर कॉम्बिनेशन के लिए जरूर अपनी मम्मी या मेरे घर में मेरी मदर इन लॉ रहती है तो उनसे जरूर डिस्कस करती हूँ, अदरवाइज तैयार मैं खुद ही होती हूँ। अच्छा, आज आप किसके साथ आए हैं यहाँ पर? जी, मैं अपनी मम्मी जी के साथ आई हूँ। आपकी मम्मी सुनीता जी भी हमारे साथ है, आपका हम अपने कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और दिव्यता, आपसे हम जानना चाहेंगे कि अगर इरादे हों बुलंद तो मंजिल भी पा लेते हैं और अगर दृढ़ संकल्प हो तो हम आसमां भी झुका सकते हैं, इन लाइनों से आप कैसे अपने आप को जोड़ती हैं? जी, ये मेरी कविता है जो मैंने बहुत पहले कभी लिखी थी जी। और मुझे लगता है सबके जीवन में बहुत सारी मुश्किलें और परेशानियां होती हैं जी, और अगर हमारी सोच और हमारे इरादे मजबूत है तो वो परेशानियां हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती जी। क्योंकि अगर मुश्किलें नहीं होंगी तो जिंदगी में जीने का मजा नहीं आएगा जी। तो मुझे लगता है कि उन मुश्किलों से पीछे नहीं हटना चाहिए, अगर हमें कुछ करना है जी। तो ये मुश्किलें कुछ मायने नहीं रखती। दैनिक क्रियाकलापों को करने की दुश्वारियां सामने आने लगी, लेकिन एक जिद जिसने हौसले बुलंद रखे और हर कदम पर हर मंजिल पर सफलता के परचम लहराए। परिजनों और बुजुर्गों के साथ और आशीर्वाद से वे बेटी, बहू, पत्नी और माँ के कर्तव्यों का निर्वहन बहुत ही सलीके से कर रही हैं। कि जैसे रोशनी का होना सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, और जैसे ही आपको ये एहसास हुआ कि आपके पास इस चीज़ का अभाव है तो कैसे आपने इस कठोर चीज़ को स्वीकार किया? मैं तो अभी तक ऐसा सोचती हूँ कि ऐसी कोई कमी है ही नहीं जी। अगर रोशनी नहीं है तो मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि इसके नहीं होने से मेरा काम कोई रुक रहा है या मुझे किसी तरह की इस वजह से परेशानी आ रही है। okay. ऐसा मैं नहीं समझती हूँ। mm-hmm. और क्योंकि अगर किसी के जीवन में कोई भी कमी है तो वो उस कमी के साथ एडजस्ट करना और उसके हिसाब से जीना सीख जाता है, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा। और मैंने भी ऐसा ही कोशिश की, अगर मैं नहीं देख पाती हूँ तो
मैंने उसी तरीके से अपना जीवन ढालने की कोशिश की और उसी तरीके से मैं जी रही हूँ, तो मुझे कभी कमी महसूस होती नहीं है, ऐसा लगता नहीं है कि मुझे रोशनी नहीं है तो मैं कोई ऐसा काम है जो नहीं कर पा रही हूँ। आपकी मम्मी से हम जानते हैं, सुनीता जी जैसे कहते हैं कि पहली पाठशाला घर होती है और पहला गुरु माँ होती है, तो आपके लिए कितना कठिन रहा होगा दिव्यता की इस प्रॉब्लम के साथ उसके उसके भविष्य को सुरक्षित करना या आगे बढ़ाना, उसके लिए आपसे जानना चाहेंगे कैसे शुरुआत हुई? तो सोचा कि इसको पढ़ाना तो है जी, ये तो मेरी जिद थी कि इसको किसी भी हालत में पढ़ाना है। फिर मैंने तय किया कि मैं इसको टेप के जरिए पढ़ाऊंगी। मैंने उसका हौसला बुलंद किया जी, और वो कठिन से कठिन मंजिल से पार किया। तो इसके लिए आपने किसी अलग जगह जाके इसका जो अलग ब्रेल लिपि होती है उसपे भी? नहीं नहीं, किसी का भी सहारा नहीं, उसको ब्रेल लिपि आती नहीं। अच्छा, वो नॉर्मल स्कूल में पढ़ी है। हाँ दिव्यता, जैसे ये मम्मी आपकी बता रही, माता जी आपकी बता रही हैं कि आपने सामान्य स्कूल में एजुकेशन लिया है, तो किस तरीके से आपने सामान्य बच्चों के साथ अपना तालमेल बैठाया अभी होगा? जैसा कि मेरी मम्मा ने बताया जी, कि ये मेरे लिए क्वेश्चन आंसर्स रीडिंग करके दिखाती थी, बुक के पूरे चैप्टर्स पढ़ती थी एंड थ्रू द कैसेट एंड टेप रिकॉर्डर वो सब रिकॉर्ड करके मुझे देती रही, उसे सुन सुन के मैं पढ़ती थी। दूसरा, मैंने ब्रेल नहीं सीखा, नॉर्मल स्कूल और नॉर्मल कॉलेजेस में ही मेरी पूरी पढ़ाई हुई और सारे फ्रेंड्स भी मेरे साइटेड रहे, तो बहुत अच्छा उनका कोऑपरेशन और सपोर्ट मुझे रहा हमेशा, और बहुत इनकरेज करते थे वो सब चीज़ों के लिए। और मैं जो स्कूल में या कॉलेज में जो भी टीचर्स लेक्चर्स देते रहे उसे मैं सुन सुन के उसको कोशिश करती थी ग्रास्पिंग अपनी बढ़ाने की और उसको सुनकर लर्न करने की। हाँ। कॉलेज में मैं अपना छोटा टेप रिकॉर्डर भी ले जाती थी जिससे मैं लेक्चर्स रिकॉर्ड करके ले आती थी उस प्रोफेसर्स के। अच्छा। तो इस तरह से बीए, फिर उसके बाद मैंने सोशियोलॉजी म्यूजिक दोनों में एमए, फिर पीएचडी, तो इस तरह से पूरी पढ़ाई मेरी चलती रही। और पीएचडी के दौरान ज़रूर मुझे राइटर वगैरह की ज़रूरत होती थी कि रीडिंग और राइटिंग जो मुझे करके दिखा सके जी, तो उसके लिए भी मैंने रीडर हायर किए अपने लिए, राइटर हायर किए और उन्होंने बहुत अच्छे से मेरा साथ दिया। कहीं भी जाना है, कुछ रिसर्च करना है जी, कुछ वेबसाइट पर से सर्च करना है, तो वो रीड करते थे, मुझे जो चाहिए होता था उसको मैं उन्हें डिक्टेट करवाती थी या उस चीज़ को मैं सेव करवा लेती थी अपने इसमें, तो इस तरह से पूरा एजुकेशन होता रहा। अच्छा, हाँ तो स्कूल में किस तरीके से दिव्यता आपने परेशानियाँ फेस की हैं? एक्चुअली मैम, शुरू में तो हर जगह, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे मैं जहाँ जॉब करती हूँ वहाँ हो, कोई भी नई जगह, सबसे ज़्यादा तो हमें यही सवालों के जवाब देने में मतलब देने पड़ते हैं और सामना करना पड़ता है कि आप कैसे कर पाओगे, आप नहीं कर पाओगे, आपसे नहीं होगा, आप नहीं देख सकते हो, आप मतलब जिद कर रहे हो लेकिन आपसे बनेगा नहीं, तो इस तरह के नेगेटिव रिस्पॉन्सेस हमें बहुत मिलते रहे हर जगह और अभी भी मिलते हैं। अच्छा। तो ये ज़रूर है कि मेरे मन में ये जिद रहती है कि जो काम मुझे करना है तो वो मुझे करना है जी। किसी के कुछ कहने से मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, और जब कोई कहता है तो मुझे और ज़्यादा ये लगता है कि मेरे लिए चैलेंज है जी, जी। अब तो मुझे ज़रूर ये प्रूफ करना है, तो हर जगह अपने आप को प्रूफ करने का एक जो शुरू से सिलसिला चलता रहा वो स्कूल में भी रहा। कुछ टीचर्स को लगता था कि इन्हें ब्लाइंड स्कूल जाना चाहिए, वहाँ पढ़ना चाहिए, बट मेरे फादर बहुत स्ट्रांगली इस चीज़ को मानते थे कि नहीं, अगर सोसाइटी हमारे लिए, कोई ब्लाइंड लोगों के लिए अलग सोसाइटी तो होती नहीं है जी। आगे चल के नॉर्मल सोसाइटी में इसे सर्वाइव करना है जी। तो नॉर्मल स्कूल और कॉलेजेस में क्यों नहीं ये पढ़ाई करेगी, तो उन्होंने काफ़ी उसके लिए फेवर किया और बहुत टीचर्स और सबको कन्विंस किया कि आप इसे पढ़ने दीजिए और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और धीरे धीरे फिर वो लोग भी इस बात को समझने लगे, मेरे टैलेंट को पहचानने लगे जी। और उन्हें लगा कि जब वो क्वेश्चंस करते हैं तो मैं उसका आंसर बहुत अच्छे से दे रही हूँ और सारा कुछ मेरा वर्क कंप्लीट होता है, तो उन्हें भी इन चीज़ों से मतलब खुशी होने लगी मुझे उस स्कूल में रखने में और कोऑपरेट करने में, उन्हें भी अच्छा लगने लगा। पर शुरू में ज़रूर हर जगह, चाहे मैं कहीं भी, मैंने महसूस किया कि हर जगह मुझे नेगेटिविटी, निराशा और हतोत्साहन का तो बहुत सामना करना पड़ा जी। नहीं तो जैसे आपने इस सब चीज़ों का सामना किया है, तो ऐसी कौन सी शक्ति थी जिसने आपको बिल्कुल निराशा में डूबने नहीं दिया? आई थिंक मेरे लिए मेरी सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है वो मेरा म्यूज़िक ही है। और बहुत छोटेपन से ही मैं म्यूज़िक सीखती रही हूँ और क्लासिकल, वोकल और लाइट म्यूज़िक मैंने सीखा है। मैं ज़रूर बताना चाहूँगी, मेरे गुरुजी आदरणीय श्री
सिद्धराम स्वामी कोरवार जी जिनसे मैं क्लासिकल सीख रही हूँ, और मरहूम जनाब सरवत हुसैन साहब जिनसे मैंने लाइट म्यूजिक सीखा है, और इसके अलावा भी मैंने कॉलेजेस और स्कूल में भी काफ़ी लोगों से म्यूजिक सीखा है, बकायदा ट्रेनिंग ली है। तो वो जो म्यूजिक रहा उसकी वजह से मुझे शायद ऐसा लगा कि वो एक मेरे लिए स्ट्रेंथ है, क्योंकि जब कभी कोई प्रॉब्लम आती है अगर मैं थोड़ी देर भी गा लूँ, रियाज कर लूँ, म्यूजिक सुन लूँ, तो वो सारे टेंशन अपने आप पता नहीं चलता कहाँ गायब हो गए। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो मुझे लगता है वो बहुत बड़ी एक स्ट्रेंथ है मेरे लिए। अच्छा। बहुत बड़ी ताकत है। हाँ। और आई थिंक वही मेरी सबसे बड़ी पहचान है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उस चीज को महसूस करके। निविता, आप गायन के क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, तो क्यों ना थोड़ी सी एक आपसे कुछ सुन ले, कुछ अच्छा मधुर सा गीत या जो भी आप पसंद करते हो। जी, एक राष्ट्रीय गीत है जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी बहुत पसंद करते हैं, कई बार उसके लिए वो मुझे सम्मानित कर चुके हैं, तो मैं चाहूंगी कि उसकी कुछ दो पंक्तियां मैं आप लोगों को जरूर सुनाऊं। चलिए आइए सुनते हैं देविता जी से उनका प्यारा सा एक गीत। जी, वंदे मातरम, 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 सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, ने संगीत और समाजशास्त्र विषय में एमए और संगीत में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। बचपन से ही संगीत की रुचि ने आपको शास्त्रीय गायन, सुगम संगीत, गीत, गजल, भजन, चित्रपट संगीत के गायन और अनेक वाद्य यंत्रों जैसे हारमोनियम, सिंथेसाइजर, गिटार, ढोलक, कॉन्गो, सितार के वादन में महारथी बना दिया। अभी तक उन्होंने 1388 कार्यक्रमों का प्रस्तुत किया है संपूर्ण भारतवर्ष में। इन सफलताओं में महत्वपूर्ण योगदान रहा उनके पति अमित का, जिन्होंने हर कदम पर साथ खड़े रहकर हौसला बढ़ाया। चले चलते रहने की बात जब हो रही है तो हम बात करते हैं आपके परिवार के बारे में कि आपके दैनिक कार्यों के साथ आपका परिवार है, आपके जीवन साथी हैं, तो जीवन साथी के साथ आपका किस तरीके से तालमेल बैठाते हैं आप लोग दोनों? जी, मैं बताना चाहूंगी मेरे जीवन साथी डॉक्टर अमित गर्ग, वो भी विजुअली इम्पेयर्ड है जी, और वो भी बहुत अच्छे सितारिस्ट है, म्यूजिशियन है और अच्छे म्यूजिक कंपोजर भी है। अच्छा। तो बहुत अच्छा उनका नेचर, और नेचर से ज्यादा बहुत केयर करते हैं, बहुत हर चीज में पर्टिकुलर है, उन्हें हर काम बड़े परफेक्शन के साथ अच्छा लगता है जी। और बहुत कुछ मैं उनसे सीखती हूँ, हालांकि मैं जाहिर नहीं करती हूँ। आप दोनों साथ में गाना गाते हैं? मैम बहुत कम, बहुत कम गाते हैं। अच्छा, आप लोगों की पहली मुलाकात किस तरह से हुई? पहली मुलाकात एक्चुअली मैं जिस एनजीओ से जुड़ी थी, नेशनल फेडरेशन फॉर ब्लाइंड, मैं वहाँ के एग्जीक्यूटिव मेंबर रही हूँ, तो मैंने फेडरेशन के थ्रू ही एक बार किसी काम के सिलसिले में इनसे कांटेक्ट किया था। अच्छा। और कांटेक्ट किया तो ये भी उस समय पीएचडी कर रहे थे और मुझे पीएचडी करनी थी, तो उसी सिलसिले में मैंने इनसे कुछ गाइडेंस लिया, फिर उसके बाद एक दो बार और बात हुई उसी सिलसिले में कि कैसे क्या पीएचडी के लिए क्या करना होता है, किस तरह से कलेक्शन करना होता, तो उन्होंने काफी अच्छे से मुझे गाइड किया। अच्छा। बस इस तरह जान पहचान बढ़ी और फिर फैमिली में बात हुई, तो पहले तो सपोर्ट नहीं था फैमिली का बिल्कुल भी, मतलब अगेंस्ट थे वो, उनका कहना था कि आप कैसे मैनेज करोगे, आपको नहीं दिखता है दोनों को, तो कैसे सब कुछ होगा, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है सभी चीजें इस तरह हैंडल करना और जिंदगी इतनी आसान नहीं है। हाँ। तो बहुत कन्विंस किया, तो मेरे फादर और मेरे पेरेंट्स तो बहुत जल्दी कन्विंस हो गए मेरी बात से, उन्हें यकीन था कि उनकी बेटी कह रही है तो जरूर वो करके दिखाएगी, बट ससुराल वालों को मनाने में हमें काफी समय लगा। जी हाँ, काफी समय लगा, लेकिन हाँ अब वो भी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं और खुश है। अपने घर की चहेती बहू बनकर सभी के दिलों पर राज कर रही है।
जैसे ये तो हो गया कि आप लोग का एक बहुत अच्छा ग्रुपिंग हो गया दोनों का, एक से नेचर वाले स्वभाव वाले मिल गए और बहुत अच्छे से गाड़ी चल पड़ी। जब बच्चे का जन्म हुआ तो कुछ नई चुनौतियां सामने आई होंगी? जी मैम, एक्चुअली हम दोनों का रेटिना पिगमेंटोसा का प्रॉब्लम है, हस्बैंड वाइफ का जी। तो जब मैंने कंसीव किया तो काफी डॉक्टर्स ने भी और काफी घर के मेंबर्स ने भी मुझे ये कहा कि तुम लोग को जो प्रॉब्लम हो सकता है वो उस बच्चे में आ जाए, आगे वाली जनरेशन में आ जाए, तो तुम इसे डिसकंटिन्यू करो। कई डॉक्टर्स ने भी ये सजेशन दिया कि आप मत इसे कंटिन्यू करिए, बट हमने ये डिसाइड किया कि जो भी होगा, अच्छा या बुरा जो भी होगा, हम उसे एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि हमारे माँ बाप ने भी तो हमें एक्सेप्ट किया ना, भले ही उन्हें नहीं पता था उस समय, पर जब हम पैदा हुए तो उन्होंने भी हमारे हमें एज इट इज जैसे हम एक्सेप्ट किया। तो ठीक है, अगर ऐसी कोई बात आती है तो इसलिए हमें हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम भी उस परेशानी को फेस कर रहे तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, और जो भी है उसे हम एक्सेप्ट करना है। और टच वुड की मेरा बेटा है, आज 4 इयर्स का है और सभी चीजें नॉर्मल है, सभी चीजें ठीक ठाक है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत होशियार और बहुत समझदार बच्चा है। तो ये जरूर है कि मेडिकल साइंस जो कहता है वो हर समय सही हो ये नहीं, जरूरी नहीं है, कुछ आपकी अपनी पॉजिटिविटी और इच्छा शक्ति भी मायने रखती है, ऐसा मुझे लगता है। इन्होंने बताया कि जब इन्होंने कंसीव किया तो इनके परिवार में डॉक्टर्स ने सभी ने बोला कि भाई कहीं ऐसा नहीं हो कि आपका बच्चा भी उसी तरीके से किसी प्रॉब्लम का शिकार हो, तो आप लोग कितने सहमत थे इसकी इसके इन लोगों के इस फैसले से? इससे तो मैं सहमत हूँ विचारों से। नहीं तो मतलब इसका जो इन लोगों का जो फैसला था उससे आपको कोई आपत्ति नहीं थी? ठीक है, जो जो ईश्वर को मंजूर, जो ईश्वर को मंजूर है वो ही हुआ। अच्छा, आपको कुछ पहली बार जब देविता एक तो इतनी सफलता हासिल कर रही हो, उसके बाद उसके फैमिली में एक नया मेहमान आने वाला है, तो आपको उस समय क्या महसूस हो रहा? अच्छा था? लगा। अच्छा लगा। तो आपके बेटे का जन्म भोपाल में ही? जी हाँ, भोपाल में। हाँ, ऐसा लग रहा है, है ना? तो देविता आप हमें और ये बताइए कि आगे फ्यूचर प्लान आपके किस तरीके से होने वाले हैं? म्यूजिक कोई कॉन्सर्ट बड़ा सा करने वाले हैं या म्यूजिक इंस्टीट्यूट में आप कुछ और परिवर्तन लाने वाले हैं? जी मैम, एक्चुअली अभी मेरी जो मेरा जो ड्रीम रहा है और जो मैं करना चाहती हूँ उससे तो अभी काफ़ी दूर हूँ, लेकिन मेरी जो सोच है या सपना है कि मैं प्लेबैक सिंगिंग में जाना चाहती हूँ और एक आर्टिस्ट के रूप में मैं अपना पहचान अपनी बनाना चाहती हूँ, तो मैं उसके लिए निरंतर प्रयास करती रहती हूँ। और दूसरी चीज़ रही बात इंस्टीट्यूट की, तो जो बच्चे नीडी है या
फिजिकली चैलेंज्ड बच्चे हैं उन लोगों के लिए ज़रूर मैं प्रयास करती हूँ, और मुझे लगता है कि जिन परेशानियों को मैंने अपने लाइफ में फेस किया है या जिन परेशानियों से मैं गुजरी हूँ वो उन बच्चों को ना फेस करने पड़े, तो जितना भी हो सकता है मैं उन्हें प्रॉपर वे में गाइड करने की कोशिश करती हूँ और चाहती हूँ कि उनका इस फील्ड में करियर बने और करियर के अलावा इंडिपेंडेंटली वो अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ जी सके। अच्छा, तो इसके लिए मैं ज़रूर हमेशा प्रयास करती रही हूँ और आगे भी करती रहूँगी, और मेरे स्कूल में भी डिसेबल बच्चे हैं एक दो, तो उन्हें भी मैं हमेशा प्रमोट करने की कोशिश करती हूँ, स्लो लर्नर बच्चों को भी मैं प्रमोट करती हूँ, और मेरी जो असेंबली होती है प्रेयर या फिर जो भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जो बच्चे स्कूल में क्लास में पढ़ते नहीं है हमेशा उनकी कंप्लेन आती है, उनके टीचर्स हमेशा कहते हैं तो बिल्कुल नहीं पढ़ते, वही बच्चे म्यूजिक में इतना अच्छा करके दिखाते हैं कि मुझे भी यकीन नहीं होता कि ये वही बच्चे जिनको अपना लिखा हुआ गाना नहीं पढ़ते आ रहा, लेकिन जब वो गाने खड़े होते हैं तो इतने कॉन्फिडेंस के साथ खड़े होते हैं कि कोई कह नहीं सकता, और धीरे धीरे उनके पढ़ाई में भी काफी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता। अच्छा, है। अच्छा अच्छा जी। तो जैसे आप ये गीत संगीत के इतने कार्यक्रम करते हैं तो आप लोग को रियाज का टाइम कम मिलता होगा, क्योंकि जी हाँ, घर है, स्कूल है, बच्चा है, फैमिली है, उसके साथ रियाज करने का टाइम कम मिलता होगा। जी, ये तो बात बिल्कुल सही कही आपने। रियाज उतना तो नहीं हो पाता जितना करना मैं चाहती हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ कि एक डेढ़ घंटा रियाज जरूर करूँ, हालांकि एक डेढ़ घंटे का रियाज मायने नहीं रखता म्यूजिक की फील्ड में, पर मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा रियाज करूं। अच्छा, स्कूल में किस तरीके से आपको कोऑपरेशन मिलता है ये सारी एक्टिविटीज करने के लिए? मेरे जो प्रिंसिपल मैम है, मैं जरूर बताना चाहूंगी, मिसेस प्रीति सक्सेना मैम, वो बहुत ज़्यादा मेरे लिए पॉजिटिव और बहुत ऑप्टिमिस्टिक है मुझे लेके, और हमेशा मैं कुछ भी काम करना चाहूँगी या कुछ भी मैं उनसे डिस्कस करती हूँ तो बहुत अच्छे से सुनती है, बहुत अच्छे से वो अप्रिशिएट करती है, और उनका जितना हो सकता है पूरा सपोर्ट मुझे रहता है। साथ ही कुछ मेरे कॉलीग्स हैं, टीचर्स हैं, जो कुछ डांस के प्रोग्राम्स होते हैं उसमें वो पूरा कोरियोग्राफी उन्हीं की होती है और मैं पूरा म्यूज़िक संभालती हूँ, तो वो लोग भी म्यूज़िक टीचर ना होते हुए भी वो मुझे पूरा कोऑपरेट करते हैं, और बहुत अच्छे से हम लोगों का एक टीम बना हुआ है। अच्छा। और जिसकी वजह से हम लोगों के केवी नंबर 2 का काफी नाम भी है। अच्छा। और काफी लोग हम लोग को अप्रिशिएट करते हैं, तो अच्छा है माहौल, बहुत अच्छा है मेरे वर्क प्लेस का। चलिए चलो, माहौल अच्छे की बात करें तो एक अच्छा गीत, भजन, गजल, जो भी आपको पसंद हो वो एक हम सुनना जरूर चाहेंगे आपसे। बनाओगे आज भी शायद कोई बहाना, बनाओगे आज भी झूठी कसम सफाई से खाओगे आज भी शायद कोई बनाओगे आज भी। जानते हैं हम
जानते हैं हम आने का करके वादा न आओगे आज भी आने का करके वादा न आओगे आज भी झूठी कसम सफाई से खाओगे आज भी शायद कोई बनाओगे आज भी बनाओगे आज भी बनाओगे आज भी। बताना चाहूंगी कि मेरे गुरुजी मरहूम सरवत हुसैन जी की ये कंपोजिशन है जी, और उन्हीं की याद में मैंने आज इसे प्रस्तुत करने की कोशिश की है। अपने लक्ष्यों को तय करती दिव्यता की सफलताओं को जब हमने पास से जानने की कोशिश की तो पता चला कि वह सिर्फ गायन में ही नहीं वरन बीट्स रेलवे में भी काफी दक्ष है। दिव्यता की विविध कला कौशल पर दिव्यता की सास और ससुर और अन्य परिजन काफी प्रसन्न और संतुष्ट है। पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं क्योंकि सभी जगह से उसको मान सम्मान भी मिल रहा है, घर भी पूरी तरीके से संभाल रही हैं, ऑफिस भी देख रहे हैं, अपना स्कूल भी देख रही हैं, हम लोगों का भी ख्याल रखती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं रख पा रही हैं, अपने बच्चे का भी ख्याल रख रही हैं, सभी तरह से मतलब व्यस्त रहती हैं और अपना घर अच्छी तरह से संभालती हैं। उसको तो बहुत शौक है मतलब सब खाना बनाने का उसका, और सब्जी अच्छी बहुत टेस्टी बनाती है और मतलब चाय कॉफी और वैसे भी उसको बहुत शौक है बनाने का, हम लोगों को बना बना कर तरह तरह की चीज देती है। आप खुश हैं अपने बहुत? हाँ खुश है। बहुमुखी प्रतिभा की धनी दिव्यता ने लेखन के विविध माध्यमों से अपने भावों की अभिव्यक्ति का रास्ता खोज रखा है। मानो चलते चलते वे यही कह रही हैं कि हमें नजर नहीं नजरिया चाहिए, हमें सहारा नहीं साथ चाहिए, जीवन की दुश्वारियों का सामना साहस से करना ही इंसान की असली पहचान होती है। चाहते हैं समाज का संबल